न ददाति नो सदाति तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। आज की दुनिया के लोग अपने अलग अलग वतन का तसव्वुर करते हैं। हमारी लड़ाई भी अपने वतन की आजादी के लिए है, लेकिन उन दिनों वतन की बात ही नहीं होती थी। दरअसल वतन के तसव्वुर के बजाय आदमी आदमी के बीच एक अजीब सा संबंध था। ये वो सामंती रिश्ता था जो एक सामंतवादी व्यवस्था से पनपा था। पश्चिमी देशों का सामंतवाद रोम के पतन के बाद जन्मा। लुटेरे सामंत मजबूत किले बनाते और आसपास के इलाकों पर डाका डालते। किसान अपनी हिफाजत नहीं कर पाते, इसलिए वो इनसे समझौता कर लेते। बदले में वो सामंतों को फसल का एक हिस्सा देते और उनकी सेवा करते। इसी तरह छोटे किले का मालिक बड़े किले के सामंत से समझौता कर लेता और उसे हथियारबंद सिपाही देता। समझौतों का यह सिलसिला सामंती व्यवस्था की सबसे ऊंची सीढ़ी यानी राजा तक चलता। इस तरह अनाज और दूसरी जरूरी चीजें जुटाने का पूरा भार किसानों और कारीगरों पर होता। हिंदुस्तान में ठीक इस तरह का तो नहीं, बल्कि इससे मिलता जुलता सामंतवाद विकसित हुआ। सामंती व्यवस्था में सबसे निचला दर्जा था खेतीहर मजदूरों का, जिन्हें साल भर बेगारी करनी पड़ती। गुजारे के लिए उन्हें थोड़ा बहुत अनाज मिलता। वो गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे और निजी जिंदगी के छोटे छोटे मसलों पर भी जमींदार की मर्जी हुक्म के बराबर थी।
मास्ती वेंकटेश अयंगर ने अपने कन्नड़ा उपन्यास चिन्ना बसवा नायका में इन खेतीहर मजदूरों के जीवन की दर्दनाक तस्वीर खींची है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे इनाम मिलेगा ना, देखने आई हूँ। मालूम नहीं बाबा, मालकन ने बुलाया है। देख, उनके सामने बेवकूफी की बात मत करना। शाबाश, पहली बार पहाड़ी के लोग दौड़ में हारे हैं। तुमने वस्तारा के लिए दौड़ जीती ये जानकर के मुझे बहुत खुशी हुई। ये तो आपका आशीर्वाद है माँ। याओ, ये लो, ये तुम्हारे लिए इनाम है। तुम सोचते होगे कि मैंने मल्लिगे को यहाँ क्यों बुलाया। देखो सगना, तुम समझदार लड़के हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी का ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मल्लिगे का रिश्ता जवरा के साथ पक्का हो चुका है, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। मैं जवरा के साथ शादी नहीं करूंगी। चुप रहो मूर्ख लड़की, अपनी मर्यादा को मत भूलो। सगना, जब ये बहुत छोटी थी तब बड़े हेगड़े ने इसका रिश्ता तय कर दिया था। अब वो नहीं है तो उनका निर्णय तो है ही, उनकी जगह मैं हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनका निर्णय पूरा करूं, और ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इस नासमझ लड़की को मना करो। उचित समय आने पर मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य लड़की ढूंढ दूंगी। अम्मा, जब मल्लिगे ने मुझसे शादी करने के लिए मन पक्का कर लिया है तो जबरा के लिए कोई दूसरी लड़की आप क्यों नहीं तय कर देती? अम्मा, सरणी की शादी अभी तक किसी से तय नहीं हुई है, वो जबरा के साथ शादी कर सकती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमसे किसने कहा कि सरणी का रिश्ता नहीं तय हुआ है? और चौड़ा का क्या होगा? सरणी ने उसे वचन दिया है, और मान लो कि मैं सरणी का हाथ जबरा के हाथ में सौंप भी दूं तो चौड़ा के लिए लड़की कहां से लाऊंगी? वो तुमसे उम्र में बड़ा है, उसकी शादी तुमसे पहले होनी चाहिए। सरणी का हाथ जबरा को दे दो। देखो, मेरी दयालुता का ज्यादा फायदा मत उठाओ। तुम एक किसान मजदूर हो, तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए। मूर्खता करके अपनी जीत की खुशी को बर्बाद मत करो। जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे? हम उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते मल्लिगे। बहुत बहादुरी दिखाई तुमने मालकन के सामने। मल्लिगे, मल्लिगे, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता था? सुनो, मुझे पता चला है कि यहाँ एक बूढ़ी बसवा स्वामी है जो दर्शन देते हैं। हम मदद के लिए उनके पास चलते हैं। वो क्यों हमारी मदद करेंगे? वो हर लाचार और दुखी की मदद करते हैं, शायद वो हमारी शादी को भी मंजूरी दे दे। पर मालकिन का क्या होगा? देखो, अगर स्वामी जी ने मंजूरी दे दी तो मालकिन कुछ नहीं कह सकेंगे। चलो चलते हैं। पर स्वामी जी रहते कहाँ हैं? हिप्पला पहाड़ी के नीचे। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। चलो। उठो उठो, यदि तुम लोग स्वामी जी से कुछ प्रार्थना करना चाहते हो तो कहो। स्वामी जी, हम दोनों बसरा गांव के खेत मजदूर हैं। मेरा नाम मल्लिगे है, ये सगुना है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर मालकिन चाहती है कि मैं जवरा से शादी कर लूं, और मैं उसे पसंद नहीं करती। आप कृपा करके मालकिन को समझाएं कि हम दोनों को शादी की अनुमति दे दें। मालकिन तुम लोगों की ठीक ढंग से देखभाल करती है या तुम्हें सताती है? नहीं, इस बात को छोड़ के और कोई परेशानी नहीं है, मालकिन बहुत अच्छी है। स्वामी जी कहते हैं कि तुम लोगों के मामले में
वह मालकिन को कोई आदेश नहीं दे सकते। कृषि दासों को उस स्त्री की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए जिसका वे नमक खाते हैं। जाओ अपने गांव वापस लौट जाओ। नहीं, हम पे दया कीजिए स्वामी, ऐसा मत कीजिए। हम दोनों जिंदगी भर यहाँ दास बनकर रहने को तैयार है, पर मैं जबरा से शादी नहीं करूंगी। स्वामी जी ने फिर विचार किया है, अपने मालकिन से जाकर कहो। स्वामी जी चाहते हैं कि वह 6 महीने तक इस विवाह को टाल दे, तब तक तुम लोगों को भी समय मिल जाएगा उनसे प्रार्थना करके उनके विचार बदल सको। ठीक है, अब जाओ। अब क्या है, तुम गई नहीं? स्वामी जी से दोबारा मिलना हो तो? नहीं, उनका मौके का इंतजार करना पड़ेगा, वो यहीं कहीं मिल जाएंगे। लेकिन वो इस जगह नहीं मिले तो? तब तुम्हें उनके दर्शन का ख्याल छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर जीने मरने का सवाल उठ जाए तो? बहुत हट्टी लड़की है तू। सुनो, बिदनूर में दुबरले पहाड़ के दूसरे किनारे बूढ़ी बासवन्ना नाम की एक जगह है, तुम वहीं उनके दर्शन कर सकते हो, पर तभी जब जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो। ठीक है, अब जाओ। बड़ी कृपा आपकी। मल्लिगी अगर नहीं मानती तो मैं भी उसे नहीं चाहता। मेरे लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ दीजिए। माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, घर का काम भी नहीं कर पाती, रात दिन बड़बड़ाती रहती है, ताने देती है, पूछती है क्या सारी जिंदगी वो खाना ही बनाती रहेगी। वो चाहती है कि मैं एक बहू ले आऊं। कल उसने मुझे पकड़ लिया और कहा। बस बस बहुत हुआ, आगे कहने की जरूरत नहीं है। मल्लिगे, सगुना, सुन लिया तुम लोगों ने क्या कह रहा है? तुम लोग मेरा कहना भी नहीं मान रहे और दूसरों के लिए मुसीबत भी खड़े कर रहे हो। स्वामी जी ने 6 महीने दिए थे अम्मा, अभी 1 महीना बाकी है। तुम क्या समझती हो 1 महीने में मेरे विचार बदल जाएंगे? तुमने मेरी पीठ के पीछे जाकर के स्वामी जी से शिकायत करी, भला स्वामी जी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? सगुना, अरे तुझे तो दिमाग से सोचना चाहिए था। शेर जैसे बछड़े को मुंह में दबा लेता है ना, लगता है वैसे ही मल्लिगे ने तुझे भी दबा रखा है। वो शादी के लिए कहते और तू हा 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 करने लगता है। अरे तेरे मुंह से ना नहीं निकल सकती। अम्मा, इस बारे में आप और मल्लिगे बात करो, ये मेरा काम नहीं। मल्लिगे जावरा से शादी करना चाहे तो करे, मैं मना नहीं करूंगा, पर वो जावरा को नहीं चाहती और मुझी से शादी करने पर जोर देती है। तो मैं भी ऐसा नहीं हूं कि इनकार कर दूं। आप तो हम लोगों की माँ हो, आप ही फैसला करो। मैंने तो फैसला बहुत पहले कर दिया था, पर तुम लोगों ने वैसा किया क्या? तुम लोग अगर मनमानी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मालकिन नहीं, ना ही तुम मेरे किसान। मेरा फैसला यह है कि ये शादी नहीं हो सकती। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। हेगड़े के कानून के मुताबिक मल्लिगे किसी और आदमी से तय कर दी गई है, तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए। नहीं अम्मा। अगर मैं तुम दोनों को ये गांव छोड़ करके जाने के लिए कहूँ तो तब तुम क्या करोगे? हम एक साथ रहे तो कैसे भी जी लेंगे। मालकिन, दो यात्री आए हैं। मैं तुम दोनों को गांव से निकाल दूंगी, पर एक साथ नहीं, एक को पूरब जाना होगा और दूसरे को पश्चिम। अब तुम दोनों जा सकते हो, मामला खत्म हो चुका है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, जाओ। वस्तारा में आप लोगों का स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हम लोग विजयनगर से आ रहे हैं, एक जरूरी काम की वजह से हमें आपके नायक से मिलना है। क्या आज रात हम वस्तारा में गुजार सकते हैं? जरूर, सुबह होने से पहले ही हम बिदनूर की ओर चल पड़ेंगे। और हाँ, हमें एक रास्ता बताने वाले की भी जरूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों के साथ एक जानकार कर देती हूँ। सगुना, सगुना इधर आओ। इन लोगों को बिदनूर पहुंचाने के लिए सवेरा होने के पहले पहले यहाँ आ जाना। आप लोग चलकर कुछ खा लें, बाद में मुझे बताएं कि विजयनगर के क्या हाल हैं। धन्यवाद। संभल के, उधर गड्ढा है। ठीक है ठीक है, दिन निकलने के बाद चलना अच्छा रहता।
पर सूरज बहुत गर्म है, इसलिए सवेरे सवेरे चल रहे हैं। अरे भाई रात को क्यों नहीं निकले? रात को? अरे जंगल में भूत प्रेत रहते हैं स्वामी। भूत प्रेत? मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। श्रीमान ऐसा मत कहिए, भूत प्रेत सुन लेंगे, उनके कान बहुत तेज होते हैं। आप एक मामूली भूत को तो मशाल से डरा सकते हैं, पर मशाल से ना डरने वाले मशाल भूत आ गए तो क्या करेंगे? बहुत हो चुका भाई, हम इस तरह सोचे तो शहर पहुंचकर नायक से कैसे मिलेंगे? हे भगवान, क्या है वो? देखिए वो, देखिए वहाँ मशाल भूत लगता है, मैंने कहा था ना। अरे हो सकता है कोई और यात्री हमारी ओर मशाल लेके चला रहा हो। सगुना तुम आगे बढ़ो और प्रेत का सामना करो, इस जगह को तुम हमसे अधिक समझते हो। हमें किनारे खड़े हो जाए और उसे जाने दे, हो सकता है वो हमें कुछ ना करे। ठीक है मुझे पीछे रहने दो। अरे चुप ही करो। अरे ये तो एक लड़की है जो मशाल लिए हमारी ओर दौड़ी चली आ रही है। लड़की? लगता है किसी सांप पर पांव रख दिया, बिल्कुल गिलगिला सा था, मैं एकदम डर गई थी पता है। डर गई थी? अरे तू तो इन स्वामियों को डरा रही थी। जंगल में एक भूत की तरह घूमने का मतलब क्या है? आपने मुझे भूत क्यों कहा? भूत इतने ही अच्छे लगते हैं तो आप भूत क्यों नहीं बन जाते? जबान संभाल लड़की। देखिए मैं भी आपके समान जंगल से गुजर रही थी, मेरा मतलब है मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। कहाँ? शहर? हाँ मेहरबानी करके मुझे अपने साथ ले चलिए। तुम अपनी मालकिन से तो नहीं भाग रही हो? भाग रही हूँ, मैं क्यों भागूंगी, मैं तो बस शहर देखना चाहती हूँ। अगर तुम भाग भी रही हो तो बहुत दूर नहीं जा पाओगी, वो तुम्हें खोज लेंगे और घसीटते हुए वापस ले जाएंगे। इस पर गुस्सा ना हो स्वामी, एक सीधी लड़की है, बोलने बताने का ढंग नहीं जानती, बिदनूर ही तो देखना चाहती है, साथ ले चलिए। सीधी लड़की हमें डराती फिर रही है और तुम इसे? क्या ख्याल है, ले चलते हैं। अगर तुम ठीक बर्ताव करो, भागने की कोशिश न करो तो हमारे साथ चल सकती हो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूंगी, सच। हाँ तो चलो चलें, क्योंकि देर बहुत हो गई है वैसे भी। हाँ। चलो आओ। पहले क्यों नहीं बताया कि स्वामी जी से मिलने शहर आना चाहती है? उन लोगों को पता चलता तो हमें वापस बस्तरा भेज देते। मुझे भी नहीं बताया, लगता है यही स्वामी जी का मठ है, चलो ना। स्वामी जी एक प्रार्थना है, बसरा गांव की मालकिन मुझे मजबूर करी है कि मैं जवरा से शादी कर लूं। आपने 6 महीने रुकने का हुक्म दिया था पर मालकिन मानती ही नहीं, भगवान की सौगंध में जवरा को पसंद नहीं करती, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सगुना से। आप कृपा करके मालकिन को ऐसा ही हुक्म देना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। पुजारी जी आप ये पढ़कर हमें सुना दो। इसमें लिखा है कि आप दोनों महल के मंत्री शिवप्पा से जाके मिले। पर हमारी प्रार्थना का इससे क्या मतलब? पर इसमें लिखा तो यही है, शिवप्पा का घर तालाब के पास है, आप दोनों उनके पास जाएं, उनसे अपनी बात कहें, और हाँ ये चिट्ठी भी दे देना। स्वामी जी का रंग ढंग कौन जाने। क्या बात? आपके नाम ये चिट्ठी है। किसकी चिट्ठी है? बूदी बसवा स्वामी जी की सरकार। तो तुम लोग वस्त्रा के किसान हो? जी हाँ। तुमने अपनी मालकिन की बात ना मानने और किसी खास आदमी से ही शादी करने की कसम खा रखी है, लेकिन स्वामी जी का कहना है ये गलत बात है, वो इसकी इजाजत नहीं देते। हम पर दया कीजिए सरकार। तुम्हारा मामला हजारों में एक है, इसलिए वो तुम्हारी तरफदारी करना चाहते हैं।
वो मालकिन से बात करेंगे कि वो तुम्हें शादी करने की अनुमति दे दें। लेकिन याद रहे, इसके बाद तुम लोग वस्त्रा नहीं जा सकते। क्या कभी अपने गांव वापस नहीं जा सकेंगे? हम अपने गांव नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? हमारी इतनी बड़ी मुराद पूरी करने के बाद इस छोटी सी बात के लिए इनकार मत कीजिए सरकार। हम दोनों शादी करके बस्तरा में ही रहेंगे और जिंदगी भर स्वामी जी के गुण गाएंगे। पर हुक्म ना मानने और स्वामी जी को इस तरह बीच में लाने की वजह से मालकिन तुमसे चिढ़ने नहीं लगेंगे? ऊपर से वो नारियल की तरह कठोर है पर अंदर से बहुत मुलायम है। वो सोचती है कि अगर उन्होंने हमारी प्रार्थना मंजूर कर ली तो बाकी लोग भी उन्हें तंग करेंगे, लेकिन अगर स्वामी जी उनसे कह देना तो वो कभी इनकार नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। स्वामी जी ने जो तय कर दिया तुम्हें उसे मानना चाहिए। मल्लिके, मैं बस्तारा नहीं छोड़ूंगा। तुम जबरा से शादी कर लो, मैं किसी तरह जी लूंगा। चुप, हमारी मदद कीजिए स्वामी, हम आपके बच्चे हैं। देखो, शायद नायक के बीच में आने से तुम्हारी समस्या हल हो जाए, लेकिन तुम्हें अपनी बात खुद उनके सामने रखनी होगी। हमारी क्या हिम्मत के हम उनसे बात करें? ध्यान से सुनो, शहर से आधा मील दूर राजमार्ग पर एक बड़ा वृक्ष है, सूर्योदय के समय वहां इंतजार करना। मैं नायक के साथ विजयनगर जा रहा हूँ, उसी समय तुम्हारी प्रार्थना उनके सामने रख दूंगा। कुछ पूछें तो तुम अपनी बात कह देना। भगवान आपको लंबी उम्र दे। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो, और हाँ, समय पर पहुंच जाना और कुछ ऊटपटांग नहीं करना। जी नहीं। इतनी देर हो गई, नायक अभी तक नहीं आए। लगता नायक कहीं बिगड़ गए तो फिर हमें कोड़े लगेंगे। मुझे तेरी बात नहीं माननी। फिक्र मत करो, हम शादी करके बस्तरा में ही रहेंगे। लगता वो आ गए। यही वो कृषिदास हैं स्वामी, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। क्यों रे, अपने स्वामी जी की आज्ञा मानकर विवाह क्यों नहीं कर लेते? भूल जाओ गांव को, ये बेकार जिद क्यों? नायका महाराज, मैं ये ऐसी शादी सच्ची शादी नहीं होगी स्वामी। तुम बीच में मत बोलो, इसे कहने दो। इसी को कहने दो महाराज, अच्छा बोलती है। अच्छा, ठीक है, तो तुम ही कहो। स्वामी जी, मैं भाग के शादी नहीं करना चाहती। बसरा नहीं लौटेंगे तो ऐसे ही होगा। सही शादी तभी होगी जब ये मालकिन के सामने मेरे गले में ताली बांधेगा। वो हमारी माँ है, उनसे छिपकर हम कैसे शादी कर लें? ये ठीक नहीं होगा। शिवप्पा जी स्वामी, लड़की बहादुर है, वफादार भी। जी देखो, तुम लोग अपने गांव वापस जाओ, मैं तुम्हारी मालकिन को खबर कर दूंगा कि वो तुम्हारा विवाह कर दे। लेकिन याद रहे, फिर कभी उसका हुक्म टाला तो कोड़े लगवाऊंगा, समझे? जी। चल। सामंती व्यवस्था के दूसरे छोर पर थे बड़े सामंत, जो सीधे राजा के अधीन थे। उनकी अपनी समस्याएं थीं, जिन्हें हम सेलप्पा नायक के साथ घटी घटनाओं से देख सकते हैं। सेलप्पा पहले कृष्णदेव राय के दरबार में थे, फिर उनके भाई अच्युत राय के नायक बने। सेलप्पा उन ब्राह्मणों में से थे जिन्हें कृष्णदेव राय ने क्षत्रिय नायकों का बल तोड़ने के लिए उभारा था। विजयनगर साम्राज्य बनने तक भारत में सामंतवाद पूरी तरह विकसित हो चुका था। इसकी शुरुआत गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ही हुई, जब केंद्रित राज्यों की जगह सामंती राज्यों ने लेना शुरू किया। सो क्या मतलब है सेलप्पा? जवाब दो। और तुम यहां बैठे कर क्या रहे हो? उठो गद्दी से। मैं अपने स्वामी के उत्तराधिकारी के लिए सिंहासन की रखवाली कर रहा हूं। उत्तराधिकारी? उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र त्रिमला है, और तुम्हारी रखवाली की यहां कोई जरूरत नहीं। यहां की हर चीज की जिम्मेदारी मैं खुद कर सकता हूं। राम राया, तुम तो खूब जानते हो कि महाराज ने अपना उत्तराधिकारी अपने भाई अच्युत राय को बनाया है, तिरुमाला को नहीं। जब तक अच्युत राय चंदेरी से वापस नहीं आ जाते, मैं देखभाल करूंगा ताकि उनका यह सिंहासन सुरक्षित रहे। ऐसा तुम्हें करने का कोई हक नहीं है सेलप्पा। चुपचाप अपने सैनिकों को यहां से हटा लो और राजकोष की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। और तुम्हें क्या हक है? तुम तो केवल स्वर्गीय महाराज के दामाद ठहरे, नाबालिक राजकुमार की तरफ से बोलने का तुम्हें क्या हक है? मैं इस सिंहासन के वारिस के सलाहकार
और रहनुमा की हैसियत से बोल रहा हूं सल्लपा, तुम झूठा हक जमा रहे हो। राम रावा, मैं तुम्हें खूब जानता हूं। महाराज ने जब सल्लुआ तिलैया को अपने युवराज के लिए सलाहकार नियुक्त किया था तो तुमने उसे जहर देकर मार दिया, वो भी महाराज के जीते जी। अगर मासूम राजकुमार के तुम सलाहकार बने तो पता नहीं क्या क्या करोगे। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा सल्लपा। तुम्हें मेरी सेना से मुकाबला करना होगा। मुझे यहां से हटाने का बस यही एक रास्ता है। तुम बेवकूफ हो, इससे तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा। वो देखा जाएगा, तब तक के लिए यह सिंहासन मेरी हिफाजत में ही रहेगा। मैं उन लोगों का एहसान मंद हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा जाहिर किया, वफादारी दिखाई। ऐसे लोगों में मेरी पत्नी के भाई पेद्दा तुरुमला और चिन्ना तुरुमला हैं, जिनसे मेरा दिली लगाव है, और सल्लप्पा नायक जिसने दिलेरी के साथ अपने फर्ज को पूरा किया। ये लो सल्लप्पा, मेरी ओर से बतौर निशानी। इतना ही नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने शासन का काम भी बखूबी संभाला है। मैं चाहूंगा तुम यह काम जारी रखो। स्वामी, आपकी सेवा में तो मुझे इज्जत ही मिलेगी। हो सकता है सल्लप्पा चोल मंडलम जाना चाहते हो, वहां के वो नायक हैं, शायद वो अपने परिवार और स्वामी भक्त दास दासियों के बीच रहना ज्यादा पसंद करेंगे। क्या तुम भी ऐसा सोचते हो सल्लप्पा? मैंने तो एक प्रस्ताव रखा है, तुम चाहो तो इसे नामंजूर भी कर सकते हो। लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि विजयनगर में रहकर तुम हमारे बहुत काम आ सकते हो। आपका प्रस्ताव मुझे मंजूर है, मुझे यहां रहकर बेइंतहा खुशी होगी। मैं अपने परिवार को इस बात की तलाह किए देता हूं। ठीक है, तो यही तय रहा। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी। मेरे ख्याल में इतने अहम अहदे के लिए सल्लप्पा पर यकीन करना बेवकूफी होगी। आखिर वो बाहरी आदमी है, हमारे परिवार का सदस्य तो है नहीं। लेकिन उस पर मेरा यकीन है, उसने मेरे सिंहासन की हिफाजत की है। वो चाहता तो रामराय की तरफ बहुत आसानी से जा सकता था। देखिए, अब उसने अपना काम पूरा किया है, आपने उसे इनाम भी दे दिया। अब मुझे नहीं लगता कि विजयनगर में उसकी मौजूदगी की कोई जरूरत है। ये मत भूलिए कि वो एक ब्राह्मण है। आप तरह तरह के महत्व देकर ब्राह्मणों को बढ़ावा दे रहे हैं, कल को वो इससे ज्यादा मांगने लगेंगे। उसकी वफादारी के लिए एहसानमंदी की जगह इस बात पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तुम सही कह रहे हो, पर यह तो तुम मानते हो कि वह काम का आदमी है और लायक भी है। स्वामी, आपकी मदद के लिए मैं और भाई साहब तो हैं ही यहाँ, सल्लप्पा की आपको क्या जरूरत है? अगर वो यहाँ ठहरते हैं तो उनके सैनिक भी ठहरेंगे और हम सबकी एक स्थायी चिंता बन जाएंगे। हम अगर राम राय की मदद चाहते हैं तो भी सल्लप्पा का यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, राम राय इसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। तुम ठीक कहते हो, हमें राम राय को तो साथ लेना ही होगा, उसका विरोध मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। बीजापुर का आदिल शाह तो मौके का इंतजार ही कर रहा है कि कब कमजोर विजयनगर पर झपट पड़े। पर मैं सल्लप्पा को क्या जवाब दूंगा? अभी अभी मैंने उसे जिम्मेदार ओहदा सौंपा, इतनी जल्दी वापस लू भी तो बड़े शर्म की बात होगी। इसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ उससे मिलने से इनकार कर दीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से वो इसका ज्यादा बुरा नहीं मानेगा, वो विजयनगर से चोलामंडलम में ज्यादा चैन से रहेगा। तुम उसे कह दो कि मैं चाहता हूं कि वो चोलामंडलम वापस चला जाए। सल्लप्पा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। नमस्कार, आइए आइए बैठिए। लीजिए। जी नहीं, शुक्रिया। बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप। हाँ, स्वामी ने जो मुझ पर भरोसा किया है उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूं। कहिए क्या बात है। सल्लप्पा, आपको चोलामंडलम वापस जाना होगा। वापस जाना होगा, क्यों? त्रावणकोर का उदयवर्मन महाराज के लिए मुसीबत बन गया है, उसने मुआवजा बंद करके बगावत कर ली है। अब महाराजा को डर है कि बगावत की आंधी दूसरे नायकों में फैल सकती है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उसके साथ लड़ाई करके उसे अपने कब्जे में कर लें।
क्या अच्युत राजा चाहते हैं कि मैं जाऊं? जी हाँ, आप अपनी सेना के साथ चले जाइए। और उनका यह भी कहना है कि वो किसी और पर भरोसा ही नहीं कर सकते। त्रावणकोर की सीमा और आपके राज्य की सीमा तो एक दूसरे से मिली हुई है ना। आपको तो अपनी वफादारी दिखाने का एक और मौका मिल रहा है। मुझे अच्युत राजा से मिलना ही पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे काम है जो मुझे पूरे करने हैं। जी नहीं, इस वक्त और कुछ नहीं होगा, आपको फौरन निकलना होगा। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे छुटकारा पाने का एक तरीका हो? क्या बात कर रहे हैं आप? आप नहीं जानते महाराज आप पर कितना भरोसा करते हैं। उन्होंने बस यही सोचा है इस काम के लिए आप ही ठीक आदमी है। वैसे ये ख्याल था किसका, आपका या रामराया का? रामराया ने तो देखिए, हिचकिए मत। मैं जानता हूं कि दरबार से उसे इशारे मिलते रहते हैं। ये वही आदमी है ना जिसने महाराज का विरोध किया था? आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। राम राय ने महाराज के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है, उसने अपनी गलती कबूल भी कर ली है। अच्छा, तो अब बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग चाहते हैं कि मैं और मेरे सिपाही यहां ना ठहरे। देखिए सेलप्पा, इन सब बातों में मत पड़िए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको तो महाराज की सेवा करने का मौका मिला है, यही समझकर आप इस स्थिति को स्वीकार कर लीजिएगा। मैं महाराज अच्युत राय से मिलना चाहता हूँ। जी नहीं, वो आपसे नहीं मिलेंगे। मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने विजयनगर छोड़ने की योजना बना ली है। मैं अपने स्वामी अच्युत राय की तरफ से तुम्हें यह बताने आया हूँ कि एक आधीन राजा की तरह मुआवजे की रकम मुझे देकर अपने महाराज के प्रति वफादारी का परिचय दो। उदय मार्तंड वर्मन, ऐसा नहीं किया तो मेरी सेना तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करेगी। कहो, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या? अपना इरादा जाहिर करो। बोलो, मुआवजा दोगे या युद्ध करोगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की तो कोई वजह नहीं दिखती। अपना इरादा जाहिर करो उदय मार्तंड वर्मन। माफ कीजिए, मेरी इच्छा आपको नाराज करने की नहीं थी, मैं तो बस जरा चौंक सा गया था। आप मेरा इरादा जानना चाहते हैं ना? अच्युत तरैया को मैं कोई मुआवजा नहीं दूंगा। अब मैं उन्हें अपना स्वामी नहीं मानता। अच्छा, तो तुम लड़ाई करना चाहते हो? यह तुम्हारी नासमझी होगी उदय मार्तंड वर्मन। यह मत भूलो कि मेरी सेना तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी। सेलप्पा, जरा ठहरिए तो अपने दूसरे सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। कौन सा सवाल? मुझे सब जवाब मिल चुके हैं। आप ये जानना चाहते थे ना कि मैं क्यों हंस रहा था? मैं अच्युत तराया के प्रति आपकी वफादारी पर हंस रहा था। वफादारी? तुम क्या जानो वफादारी? तुम तो विश्वासघाती हो। विश्वासघात? और अच्युत तराया के साथ? काम पूरा हो जाने के बाद जो आदमी बिना सोचा समझे विजयनगर से उठाकर बाहर फेंक देता है, मुझे ऐसे आदमी के साथ वफादारी करनी चाहिए? आप खुद ही सोचिए सलप्पा, क्या ऐसे आदमी के साथ आपको वफादारी करनी चाहिए? तुम मुझसे डर रहे हो? तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हें और तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को खत्म ना कर दूं? तुम्हारा ये खोखला तर्क कुछ काम नहीं आएगा उदय मार्तंड वर्मन। हाँ, मैं जरूर डर रहा था, लेकिन अगर लड़ाई का मौका आया तो मैं जरूर लड़ूंगा। मगर फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप ऐसे आदमियों के हाथों में खेल रहे हैं जिन्होंने आपको जान से मारने की साजिश की। तुम्हें यह कैसे मालूम कि विजयनगर में क्या हो रहा है? सलप्पा, बच्चा बच्चा जानता है कि आपको राजधानी छोड़ने के लिए क्यों कहा गया। आपने सिंहासन के लिए रामराया की महत्वाकांक्षा को सफल नहीं होने दिया। आज उसके हाथ में ताकत है, इसलिए उसने आपको निकाल बाहर किया। तिरुमल्ला भाइयों के लिए सिर्फ आप आंख की किरकिरी थे, इसलिए उन्होंने उसका समर्थन किया। वो नहीं चाहते कि कोई बीच में आए और उनका ध्यान भटक जाए। मेरा विद्रोह भी इसी प्रकार था। उन्होंने क्या किया? मुझे खत्म करने के लिए आपको यहां भेज दिया। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि कितना होशियारी से आपका इस्तेमाल किया जा रहा है? जब तक अच्युत राया मुझ पर निर्भर रहते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, तब तक इन लोगों का कोई महत्व नहीं है। अब किस दुनिया में है सलप्पा? अच्युत राया तिरुमल भाइयों और राम राया के बिना कुछ नहीं कर सकता। जानते हैं आप, जब आपने मुझे समर्पण के लिए कहा तो मैं क्यों चौंक गया था? जब आपसे मिलने का संदेश आया तो मैं ये सोच रहा था कि शायद आप मुझसे कुछ समझौता करना चाहते हैं। समझौता?
कैसा समझौता? हम दोनों के बीच चोल मंडलम और त्रवणकोर हम एक संधि करेंगे सलप्पा। पांड्या का राजा जटिल वर्मन कमजोर है, हमारी सेना आसानी से उस पर विजय प्राप्त कर सकेगी। फिर उसके बाद सारा निचला प्रायद्वीप हमारे कब्जे में होगा, कुछ नायक भी साथ आ जाएंगे। फिर पेद्दा तिरुमला और राम राया की योजना सफल नहीं हो सकेगी। पर तुम्हारी बात का क्या भरोसा? भरोसा? हाँ, तुम मेरे साथ भी तो गद्दारी कर सकते हो। किस तरह का भरोसा चाहते हैं आप? देखो, जब तक मैं अच्युत राया के परिवार के साथ हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुमसे एक वैवाहिक समझौता करना चाहता हूं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। ठीक है सलप्पा, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही। क्या? यह तो बहुत ही भयानक है। इस बात का अंदाज आपको पहले से होना चाहिए था। मेरे सबसे वफादार नायक सलप्पा ने बगावत का झंडा उठाया है। इतना ही नहीं, हमला करके हमारे अधीनस्थ पंड्या राजा को भी निकाल बाहर किया है। मुझे तो शुरू से यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हमें पंडे नरेश जटिल वर्मन की मदद के लिए जाना चाहिए। सेलप्पा उदय वर्मन को सबक सिखाना चाहिए। महाराज, हम इस मौके का फायदा उठाकर पूरे दक्षिण पर अपनी शक्ति जमा सकते हैं और साथ साथ सभी नायकों को अपनी गिरफ्त में ला सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि राजधानी छोड़कर यह जाने का ठीक वक्त है भी या नहीं। इससे अच्छा मौका आपको कहां मिलेगा महाराज? आदिल शाह बीदर में अमीर बारीद के साथ लड़ाई में उलझा हुआ है। वो इस मौके का फायदा उठाने की हालत में नहीं है। ठीक है, वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस मामले को जरूरत से ज्यादा महत्व तो नहीं देना चाहिए। यह भी ठीक नहीं कि कुछ मामूली देशद्रोहियों के खिलाफ आप स्वयं सेना का संचालन करें। आप मुझे सेना लेकर जाने दीजिए, मैं उन्हें आपके सामने लाकर रख दूंगा। अगर महाराज खुद नहीं गए तो फिर चढ़ाई का मतलब ही क्या? आप लोग बहस बंद कीजिए, मैं चलूंगा मगर श्री रंगम में ठहर जाऊंगा। पेद्दा तिरुमला, आप सेना को लेकर वहां से आगे जाएंगे और सलप्पा उदय मार्तन बर्मन दोनों मेरे सामने जिंदा पकड़कर लाए जाएंगे। फिर मैं तय करूंगा कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। सलप्पा, ये क्या कर डाला तुमने? तुम तो मेरे सबसे वफादार नायक हुआ करते थे, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व था। तुमने मेरे विश्वास के बंधन को तोड़ डाला, मगर यह बात तुम्हें सूझी कैसे? क्षमा करें स्वामी, मुझे गुमराह कर दिया गया था। तुम जानते हो उदय वर्मन के साथ क्या सलूक किया गया है? मैंने उसे सजा दी है, कठोर सजा। तुम बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? महाराज, यह गद्दार है, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। स्वामी, मैं आपसे क्या बताऊं? मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूं कि मुझे सजा देने से पहले जरा सोचिए। इसके पहले मैंने कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ा है। मुझे याद है, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं छीन रहा हूं। महाराज ये दुश्मन है, इसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं। बस इतना काफी है, सलप्पा तुम जा सकते हो, मगर यह सुन लो, तुम्हारे क्षेत्र के सारे अधिकार तुमसे वापस ले लिए जाएंगे। तुम्हें विजयनगर में आने का अधिकार भी नहीं होगा। तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हें कुछ गांव दे दिए जाएंगे। क्या मेरा ओहदा इतना छोटा कर दिया जाएगा? स्वामी, आप मुझे गांव में जाकर अनाज तोलने पर मजबूर करेंगे? हाँ, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि विश्वास के बंधन को तोड़ना कितना खतरनाक है। हाँ।
इस तरह समाज के दो अलहदा भाग होते, एक मालिकों का और दूसरा रैयत या मजदूरों का। मजदूर और जानवर के बीच सामंत सरदार कोई खास फर्क नहीं करते थे। सामंती व्यवस्था में हक और जिम्मेदारी पर एक जैसा ध्यान नहीं दिया जाता था। अगर सामंत लगान वसूल करता था तो उसे रियाया की देखभाल और हिफाजत भी करनी पड़ती थी, लेकिन सामंत अपने हक तो जमाते थे, जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं करते थे। हिंदुस्तान में आज भी कई ऐसे जमींदार हैं जो बेरहमी से मालगुजारी वसूल करते हैं और अपनी तमाम जिम्मेदारियां भूल चुके हैं। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदे कर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदे कर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदे कर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हविदे कर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हविदे कर।